राम राम भाई सारे ना, मेरा नाम मनोज गहलावत है। वेलकम बैक अगेन ऑन न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल। आप सभी को पता है कि हमने बहुत सारी वीडियोस में पहली बार बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि कई सारे तरीके होते हैं जिससे कि आप एक पायलट बन सकते हो, एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकते हो। उन तरीकों में कैडेट पायलट प्रोग्राम आ जाता है, कन्वेंशनल तरीका आ जाता है, कन्वेंशनल भी पता है, कैडेट भी पता है, और एक जो थर्ड आता है कि हम बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट सब कुछ पे करती है, उसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, जो कि एयरफोर्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो आप एयरफोर्स पायलट बनते हो एज ए फ्लाइंग ऑफिसर, आप NDA CDS AFCAD के थ्रू जाते हैं एज ए फ्लाइंग ऑफिसर, वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी, उसके बाद आप एज ए डिफेंस पायलट बन जाओगे जो कि फाइटर जेट या फिर कार्गो प्लेन्स उड़ाएंगे। वो जितने आपकी सर्विस पीरियड तक आप सर्विस दोगे, जैसे कि अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जाते हो अराउंड 10 to 14 या आपको सर्विस करनी पड़ेगी, परमानेंट कमीशन जाओगे तो परमानेंट कमीशन के जितने जॉब टर्म है, मतलब कि पीरियड होगा जितना, वो आपको जॉब करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको रिटायरमेंट मिलती है। तो उस रिटायरमेंट के बाद आपको ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो एयरलाइन पायलट बन सकते हो, कमर्शियली फ्लाई कर सकते हो। तो उस कमर्शियली में मतलब कि कैसे फ्लाई कर सकते हैं, बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई मेरे को तो एयरलाइन में फ्लाई करना है। तो उसमें यही है कि आप अपने नेशन को सर्व करो, जो कि आपके ड्यूटी पीरियड होगा उसने टाइम के लिए, उसके बाद आप आगे स्विच कर सकते हो, एयरलाइन पायलट बन सकते हो लेटर आगे जब रिटायरमेंट में। और शॉर्ट सर्विस कमीशन एक बेस्ट ऑप्शन है, देखा जाए तो 14 ईयर्स या 10 to 14 ईयर्स के बीच में जॉब करोगे, उसके बाद रिटायरमेंट आ जाएगी और आप फिर एयरलाइन पायलट बन सकते हो और जो कमर्शियली है उसमें फ्लाई कर सकते हो। उसके लिए क्या कि आपके पास जितने आवर्स है, मान लो कि आपने 1000 आवर्स फ्लाई किए एग्जाम्पल के लिए 14 ईयर्स में, वो जस्ट एक हाइपोथेटिकल वैल्यू हो भाई, उससे ज्यादा भी करोगे ऑब्वियसली बात है। तो अगर 1000 आवर्स फ्लाई किए हैं तो वो 1000 आवर्स आपके DGCA उनको कैलकुलेट मतलब कि मानेगा उसके आपके लॉग बुक के जितने आवर्स हैं। तो आपको स्टार्टिंग से देखा जाए तो आपको SPL की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि DGCA की भाई खुद की रिक्वायरमेंट है, CPL की कमर्शियल पायलट लाइसेंस है कि आपको 200 आवर्स होने चाहिए। आवर्स तो आपके पास है लेकिन जो उसके बाद एग्जाम्स हैं, तो एग्जाम्स में आपको रेगुलेशन देना पड़ेगा, एयर रेगुलेशन, उसके बाद नेविगेशन कंपोजिट देना पड़ेगा जिसमें एयर नेविगेशन प्लस में मेट्रोलॉजी आएगा। थर्ड जो एग्जाम होगा वो आपको टेक्निकल स्पेसिफिक होगा कि जो एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट फ्लाई करोगे उसका स्पेसिफिक एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि आप जो एयरफोर्स या फिर जहाँ पे भी फ्लाई कर रहे थे डिफेंस में, वो आप एक फाइटर एयरक्राफ्ट या कोई दूसरा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आओगे तो आपको जो स्टार्टिंग कर जो चेक्स वगैरह दोगे एक दूसरे एयरक्राफ्ट पे देने वाले हो, तो उसका एक स्पेसिफिक पेपर आपको देना पड़ेगा, टेक्निकल स्पेसिफिक होगा। उसके बाद आपको FRTL भी चाहिए और RTR भी चाहिए। FRTL तब मिलेगा जब आपके पास RTR हो जाएगा। ठीक है, तो RTR Part 1 और Part 2 दोनों लिखना पड़ेगा, उसके बेस पे आपको FRTL मिल जाएगा। तो ये एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे, आपको चेक्स देने पड़ेंगे सारे, GFT डे चेक, GFT नाइट चेक, IR चेक, ये सारे चेक देने पड़ेंगे। अगर आपको IR चाहिए तो ऑब्वियसली बात है CPL पे आपको अगर कमर्शियली, और तो ये सारे चेक्स हो गए हैं, आपको आर्ट्स वहाँ से मिल लिए जाएंगे, आपको अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने हैं DGCA में, तो आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल जाएगा, आप एयरलाइन से फ्लाई कर सकते हो। अगर आपके आर्ट्स 1500 आर्ट्स से ऊपर हैं, आपको ATPL के लिए अप्लाई करना होगा, और ATPL की जितने रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स DGCA की कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो मेन यही है कि आपको जो रिक्वायरमेंट्स है DGCA की वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, एग्जाम्स की होगी या फिर फ्लाइंग की होगी, डॉक्यूमेंट जो DGCA को चाहिए वो सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्रोफेशनसी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, मतलब कि लेना पड़ेगा, मिनिमम जो लेवल है वो 4 होना चाहिए। और उसके अलावा जो आपको एक ग्राउंड क्लास होती है बेसिकली आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के लिए, वो ग्राउंड क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अराउंड 1500 आवर्स है तो आपको डायरेक्ट जो है टेस्ट देना है ELP का, और मिनिमम जो लेवल चाहिए 4 चाहिए आपको पता है कि फ्लाई करने के लिए, तो मिनिमम लेवल 4 होना चाहिए और उसके बाद आप फ्लाई कर सकते हो कमर्शियली और एक एयरलाइन पायलट बन जाओगे। और ATPL भी मिल जाएगा अगर आपको 1500 आवर्स से ऊपर है, तो डायरेक्ट ATPL में ही कन्वर्जन हो जाएगा आपका डिफेंस पायलट से। ठीक है, सो ऐसा कुछ ट्रांजिशन होता है कि डिफेंस पायलट से एयरलाइन पायलट कैसे बनना है, ये छोटा सा प्रोसेस आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर कुछ भी आपको सुझाव है, अगर आपको एडिशनल बतानी है वो कमेंट में जाके बता सकते हो, अगर मेरे से कुछ मिस हो गया तो डेफिनेटली बताओ जाके, और कुछ भी डिटेल्स आपको चाहिए मेरा इंस्टाग्राम और जो व्हाट्सएप है टेलीग्राम ग्रुप है सारा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, नंबर्स मिल जाएंगे। आई होप ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल रही होगी, क्योंकि यार काफ़ी बच्चों का मतलब क्वेश्चन रहता था कि अगर हम ऐसे पायलट बनते हैं डिफेंस में तो हमें ट्रांजिशन कैसे करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ ट्रांजिशन होता है, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है, जितनी मैं इन्फॉर्मेशन मेरे को पता थी मैंने आप सभी को बता दी है, अभी आपको प्रोसेस पता है तो आप अपना आगे काम कैसे करना है वो प्लान कर सकते हो। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखें, अपने मातापिता का ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम, जय।